इस क्वेश्चन में हमें यह फाइंड आउट करना है कि कोसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट टू क्या होता है। देखिए, कोसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट टू बेसिकली एक एंगल है। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट वाई इज इक्वल टू, वाई एक एंगल है जिसकी वैल्यू है कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट टू। अब यह है कोसेक इनवर्स फंक्शन, और कोसेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, जिसके अंदर जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो ये कोसेक इनवर्स फंक्शन की रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है वो लाई करेगी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, बट y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट टू, इसका मतलब ये होता है कोसेक y इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक पाई बाई फोर, क्योंकि कोसेक पाई बाई फोर क्या होता है, स्क्वायर रूट टू होता है। अब यहां पे कोसेक फंक्शन क्या है, नेगेटिव। कोसेक फंक्शन कब नेगेटिव होता है, जब उसका एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होता है। कोसेक फंक्शन नेगेटिव है मतलब उसका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, चलिए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन का एंगल लाई करता है तो इसमें y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर पाई प्लस पाई बाय फोर, ठीक है, जो कि बन जाता है 5 पाई बाय फोर। अब ये 5 पाई बाय फोर जो है इस रेंज में नहीं आता, तो हम यहां पे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब उम्मीद रह गई हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से, इसका मतलब y जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो तरह से लाई कर सकता है, अगर y की वैल्यू हो 2 पाई माइनस पाई बाय फोर या फिर माइनस ऑफ पाई बाय फोर। 2 पाई माइनस पाई बाय फोर देखिए क्या बनेगा, 2 पाई माइनस पाई बाय फोर बन जाएगा 7 पाई बाय फोर, और माइनस पाई बाय फोर तो एज इट इज है। अब ये 7 पाई बाय फोर जो है ये भी देखिए इस रेंज में नहीं आता, ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। हाँ, जो माइनस पाई बाय फोर है वो इस रेंज में आता है, जो माइनस पाई बाय फोर है वो माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लाई करता है, और माइनस पाई बाय फोर की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाय फोर फिट है वाई बनने के लिए। तो इसको लिखा जा सकता है कोसेक वाई इज इक्वल टू कोसेक माइनस ऑफ पाई बाय फोर। इस तरह से y की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ पाई बाई फोर। वाई कौन है, कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट टू, और इसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई फोर।